Hey guys, आज मैंने बहुत काम किया है, उसके बाद खरना करेंगे पूजा। वो भूरा लगा रहे हैं गाइस, स्पेशली मैंने छठ पूजा के लिए ही ऑर्डर करवाया इसको। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज है छठ पूजा का दूसरा दिन। आज मनाया जाता है खरना, मतलब कि होता है खरना पूजा। खरना पूजा में व्रती जो होती हैं वो दिन भर भूखे प्यासे रहती हैं और रात में पूजा करके थोड़ा सा खीर खाती हैं और पानी पीती हैं, उसके बाद अगले दिन फिर से फास्ट में रहती हैं। तो सोचिए कितना टफ है ये व्रत। अभी इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कैसे कैसे होता है खरना पूजा, क्या क्या बनाया जाता है उसमें और कैसे पूजा होती है, फिर हम लोग क्या करते हैं, सारा कुछ। ये हिंदू धर्म में ऐसा पहला व्रत है जो 4 दिन तक चलता है लगातार, जैसे कि व्रत टाइप से हो जाता है, जैसे निर्जला रहेंगी पूरे दिन, उसके बाद शाम में खाना खाएंगी या दोपहर में खाना खाएंगी या फिर कुछ स्पेसिफिक चीज़ ही खाएंगी, ऐसा होता है। बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क हो जाता है लोगों के लिए, लेकिन यहाँ की जो व्रती होती है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होती हैं। तो आप लोग समझ सकते हैं कि मतलब कितना उनके अंदर साहस होता है, कितना स्ट्रांग वो होती हैं कि वो लोग 4 दिन का व्रत एकदम कंप्लीट कर लेती और सूर्य देवता और छठी मैया से अपने वेलबींग के लिए, अपने बच्चों के लिए और अपने परिवार के लिए बहुत कुछ मांग लेती हैं भगवान से। गाइस, छठ पूजा का दूसरा दिन स्टार्ट हो चुका है और मैं मम्मी का हेल्प करते हुए। गाइस झूठ बोल रही है, ये बस बैठ गई है यहाँ पे। नहीं गाइस, आज मैंने बहुत काम किया है। झूठ बोल रहा है। जैसे घर की साफ सफाई, पूजा है तो साफ तो करना ही पड़ेगा और यही तो काम ही होता है छठ पूजा में। और मेरी मम्मी खरना पूजा का प्रसाद बना रही है और यही चीज़ पिछले बार मम्मी मिट्टी के चूल्हे पे बनाई थी, बट इस बार ये चीज़ रिवर्स हो गया और इस बार मम्मी गैस चूल्हे पे बना रही है। क्यों सुन दिया ऐसा, क्यों? मम्मी ने चेंज कर दिया क्योंकि मिट्टी का चूल्हा लाने में ना परेशानी होती थी, हमारे यहाँ किसी को बनाने नहीं आता, दूर दूर से लोगों से बनवाना होता था, फिर लाना होता था, बहुत परेशानी होती थी, फिर ना लोग करने के लिए भी नहीं तैयार होते थे तो हमें प्रॉब्लम होने लगी थी। तो हमने इस बार डिसाइड किया कि जो लोग शहर में रहते हैं वो भी तो गैस चूल्हे पर बनाते हैं, तो मम्मी को भी हमने बोला कि बना लो। मम्मी आप क्या करोगे? खीर बना लिए और रोटी बना लिए और थोड़ा सा रोटी है, 2-3 बना लेंगे, उसके बाद सब सजाएंगे, उसके बाद खरना करेंगे पूजा। वैसे दोस्तों आपको एक चीज़ मैं बता दूं, तो छठ पूजा का जो व्रत है वो बहुत ही ज़्यादा टफेस्ट व्रत है। इसमें जो व्रती होती हैं जैसे कि मम्मी, बहुत ही ज़्यादा उसमें साधना की ज़रूरत होती है। गाइस अभी मोनू भैया लोग को काम करना चाहिए लेकिन वो लोग घूम रहा है, चलिए हम आपको दिखाते हैं वो लोग क्या कर रहे हैं। और गाइस काजू ना धीरे धीरे बोल रही है क्योंकि उसको डर लग रहा है कोई सुन ना जाए। धीरे धीरे बोल कोई सुन ना ले। चलो गाइस, एक ये टाइम पास करने वाले और एक ये और एक ये भी। और गाइस हम लोगों ने दिवाली की लाइट्स अभी तक नहीं हटाई, क्यों नहीं हटाई है बताओ? हमारे यहाँ नहीं हटाया जाता है जब तक छठ पूजा हो ना जाए। आज पापा ने एक न्यू सिम लिया है जियो का, तो वो मुझे अपने फ़ोन में लगा देने कहा था, तो मैंने बोला अभी आपका इम्पोर्टेंट काम नहीं है ना, तो बाद में आपका लगा देंगे। तो बोलते हैं इम्पोर्टेंट काम नहीं है, एकदम अर्जेंट है अभी तो। अब दोस्तों चलिए देखते हैं मोनू भैया क्या कर रहा है। वो भी फोन ही चला रहा होगा, मुझे स्नैप भेज रहा होगा। ये पढ़ाकू लड़का पढ़ाई कर रहा है, आज के भी दिन पढ़ रहा है। गाइस देखते हैं मोनू भैया क्या कर रहा है। वो भूरा लगा रहे थे। काउडंग केक जो होता है अमेज़न पे भी मिलता है, अमेज़न पे सिर्फ 149 में देखा था मैंने एक बार। सरप्राइज कल ही आया मैं, देखो ये मैं काम कर रहा था, हो गया। हम लोगों ने ना एलेक्सा लिया है नया नया, मतलब स्पेशली इसके लिए ही खरीदा था छठ पूजा के। अभी काजू दी हमेशा पूरा दिन एलेक्सा प्ले ये एलेक्सा प्ले वो, एलेक्सा प्ले केलवा के पाथ पर शारदा सिन्हा पंजीयो सामने। एलेक्सा वॉल्यूम अप। बज गया काजू दी का केलवा के पाथ पर। गाइस देखा एलेक्सा का कमाल। गाइस स्पेशली मैंने छठ पूजा के लिए ही ऑर्डर करवाया इसको मोनी दी से, बहुत 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 दिन बाद आया, दिखा रहा था कि नेक्स्ट डे ही डिलीवरी हो जाएगी बट आज आया है। एलेक्सा बहुत आज्ञाकारी है, इसको जो बोलो वो समझ जाता है। जैसे
एलेक्सा स्टॉप, बंद हो गया गाइस। एलेक्सा वॉल्यूम लो। और गाइस ये स्नैप बनाना स्टार्ट हो गया इसका। एलेक्सा चुप। ये एलेक्सा को चुप करा दिया गाइस। गाइस उधर बैकग्राउंड से पापा बोल रहे हैं डांटिए नहीं, दुलारू छे एलेक्सा, मतलब डांटो पर दुलारू है, मतलब हमारा प्यारा है एलेक्सा। गाइस मम्मी रेडी होना स्टार्ट हो गई है पूजा के लिए। सोनी दी यहाँ पे मम्मी का नेल पेंट कर रही है। गाइस अब कुछ देर में ही पूजा स्टार्ट होने वाली है और इसके बाद पूजा हो जाएगी तो हम लोग आपको दिखाएंगे क्या होता है उसके बाद, उसमें क्या क्या होता है, कैसे कैसे किया जाता है, वो किया जाता है कैसे पूजा, वो तो नहीं दिखा पाएंगे इसलिए हम लोग नहीं दिखा सकते हैं वो, क्योंकि मम्मी एक कमरे में बंद होकर पूजा करती है और उसमें एकदम साइलेंट होना होता है हम लोग को, पिन ड्रॉप साइलेंस। अब थोड़ी देर में हम इतने बकबक करने वाले लोग एकदम साइलेंट होने वाले हैं। गाइस अभी यहाँ पे पूजा होनी शुरू हो चुकी है, मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से पूजा होती है, खरना पूजा। ये मम्मी अभी यहाँ पे डेकोरेट करेगी, फिर मैं आपको दिखाऊंगी। ये सब कुछ तैयार है, जैसे कि खीर चढ़ता है और उस तरह से रोटी चढ़ता है। गाइस यहाँ पे ऐसे ही खरना पूजा होती है, ये खीर और रोटी होती है और ये सब प्रसाद वगैरह। गाइस मम्मी अब खरना करेगी, ये देखिए मम्मी रेडी है खरना करने के लिए। A few moments later. Guys, अब सारे लोग चुप हो जाएंगे क्योंकि मम्मी पूजा करने वाली है। एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस प्लीज ऐसे। गाइस अब एकदम चुप रहना होता है, खरना पूजा इसी को कहते हैं। इसमें आप लोग बहुत धीरे 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 फुसफुस करके बात कर सकते हैं। मम्मी ने कमरे को बंद करके अच्छे से पूजा कर रही है, खरना करेंगी, उसके बाद हमें प्रसाद मिलेगा। गाइस सिर्फ मैं प्रसाद का इंतजार कर रहा हूँ और किसी चीज का नहीं। गाइस अब कंपटीशन होगा, देखना जैसे मम्मी निकलेगी कौन सबसे पहले मम्मी का आशीर्वाद लेता है, सबसे पहले ये। गाइस मम्मी का खरना पूजा संपन्न हो गया है और सब दौड़ चुके हैं प्रणाम करने के लिए। ये देखिए गाइस, ये देखिए सब गाइस, यहाँ लड़ाई हो रहा है प्रणाम करने, पहले कौन करेगा और कौन भैया चालाक बन के आ गया। पहले यहाँ प्रणाम किया जाता है और उसके बाद मम्मी की पैर छू के आशीर्वाद लिया जाता है। गाइस सब ने आशीर्वाद ले लिया और मैं पीछे रह गई। ये अब मोनी दी भी आशीर्वाद ले रही है। गाइस अब भभूत लगेगा, भभूत लगवाने के लिए मारा मारी हो रहा है। मेरा लगाओ, यहाँ हम तीसरे नंबर पे आ गए गाइस, नहीं चौथे। और गाइस ये लोग टूट पड़े हैं मम्मी के प्रसाद में। गाइस अब पूजा हो चुकी है, हमने प्रसाद खा लिया है और ये जो प्रसाद खाया है हमने उसे नैवेद्य बोलते हैं। इस खरना पूजा जैसे ही खत्म होती है यहाँ से मम्मी का व्रत स्टार्ट हो जाता है और ये व्रत 36 आवर तक कंटिन्यूसली चलता है। और दोस्तों इस छठ महापर्व में पहले दिन डूबते सूर्य की पूजा होती है और अगले सुबह में उगते हुए सूर्य की पूजा होती है। उगते हुए सूर्य की पूजा तो वैसे सभी लोग करते हैं लेकिन डूबते हुए सूर्य की पूजा सिर्फ हम बिहारी करते हैं। अब इसी के साथ इस छठ महापर्व का दूसरा दिन संपन्न हुआ और अब करते हैं इस व्लॉग को एंड। और अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।